Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. नमस्कार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में हमारे सेना के जवानों को जिस तरह कायरतापूर्ण तरीके से मारा गया, उसके लिए पूरे देश में गुस्सा है। पूरे देश में इस कृत्य के लिए पाकिस्तान की निंदा की जा रही है। देश के युवाओं में, देश के बुजुर्गों में, देश के बच्चों में एक क्रोध भरा हुआ है कि किसी भी तरह से हमारे शहीद हुए जवानों का बदला लिया जाए। उन शहीद हुए जवानों के लिए आज हमारे शहर मीरा भाईंदर में एक शोक सभा रखी गई। शोक सभा का आयोजन मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से स्वर्गीय श्री प्रमोद महाजन सभागृह में रखा गया था, जिसमें हमारे शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सर, ये हमारे जवान और ये बहुत बड़ी घटना है और ये दुख की घड़ी है। हमारे कोई सवाल नहीं है श्रद्धांजलि के। दोस्तों, पूरा शहर, पूरा देश आज एक अलग माहौल में है। सभी हताश है, दुख है, क्योंकि ये जो हादसा हुई, घटना हुई, एक अलग सा माहौल देश में बना। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी व्यक्ति को कुछ कहना नहीं पड़ा। हर देश का व्यक्ति चाहता था कि अब बहुत हो गया है, बस हो गया है, और एक अलग सा आक्रोश था। वहीं दूसरी तरफ सभी के अंदर, मन के अंदर, उन परिवार के प्रति अलग सा एक भाव भी था। मैं सबसे पहले उन सभी शहीद जवानों को दिल से वंदन करता हूँ, उन माता पिता को भी नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया और हमारी और आपकी रक्षा के लिए देश पे, बॉर्डर पे उन्हें भेजा, तैनात किया। मैं उन माता पिता का भी धन्यवाद देता हूँ, ऐसे हादसे होने के बाद भी आज भी अपने बच्चों को प्रेरणा देते, प्रेरित करते कि वो नेवी में जाए, आर्मी में जाए, एयरफोर्स में जाए और देश की रक्षा करे। और समय आने पे सरकार इसका उचित न्याय करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि नगर पालिका ने भी अपनी ओर से, नगर पालिका मतलब इस मीरा भाईंदर शहर के जन सभी जन सामान्य की पालिका हुई, एक श्रद्धांजलि का आज कार्यक्रम आयोजन किया गया था। हम सब ने उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है और मैं फिर एक बार उन परिवार को, उन माता पिता को नमन करता हूँ। हमारे भारतीय जवान पे जो हमला हुआ है, उस भारतीय जवान में जो शहीद हुए हैं, उन सभी शहीद जवानों को मैं पूर्ण मेरा भाईंदर की उसे श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिवारजनों को जो ये दुख की घड़ी में जो सफर कर रहे हैं, उनको ईश्वर शक्ति प्रदान करे, ऐसे में ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सर, मीरा भाईंदर महापालिकेच्या वतीनं शहरातील सर्व प्रतिष्ठित नागरिक, सर्व पक्षांचे प्रमुख, आमदार, माजी आमदार, महापौर, माजी महापौर, सर्व इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे पत्रकार बंधू, अशा सगळ्यांच्या उपस्थितीत माननीय महापौर मॅडमने आम्हाला विनंती केली होती की शहरामध्ये विविध ठिकाणी श्रद्धांजलीचे कार्यक्रम होत आहेत। महापालिका स्तरावर, शहर स्तरावर एक असा श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम आयोजित करावा, त्या अनुषंगाने आज या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। आणि मला अभिमान वाटतो की शहरातील सर्व पक्षीय नेते, आमदार, महापौर, उपमहापौर, सर्व महापालिकेचे पदाधिकारी, विविध पक्षांचे पदाधिकारी, माजी सैनिक, एनसीसीचे सर्व विद्यार्थी, अग्निशमनचे आमचे अधिकारी, महापालिकेचे सर्व अधिकारी आणि आपण सर्व प्रेस मीडियाचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित राहून जे दुःखद घटना झालेली आहे जम्मू काश्मीरमध्ये, आपले जवान जे शहीद झालेले आहेत त्यांना या ठिकाणी सर्वांमध्ये श्रद्धांजली वाहण्यात आलेली आहे। मी त्यांच्या कुटुंबांना शक्ती प्रदान हो, देश सर्व त्यांच्या पाठीशी आहे, अमर जवानांच्या आत्म्यांना शांती लाभो, असे आपल्या माध्यमातून मी या ठिकाणी तिमच्छ श्रद्धांजली वाहतो।